नमस्कार, देश टीवी के खास कार्यक्रम खास बात में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह सिनेमाटोग्राफर हैं जो छत्तीसगढ़ी फिल्म के आयाम जो हैं उसको बहुत आगे मुकाम तक जो पहुंचाए हैं। ये इनकी जो कलाकारी है तकनीकी दृष्टिकोण से इनकी बहुत ही अहमियत इनकी भूमिका है। तो आज हम चर्चा करते हैं उनकी पूरी आज तक की शुरुआत बचपन से लेकर अब तक की जो सफ़र उन्होंने तय किया है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। सिद्धार्थ जी नमस्कार। नमस्ते। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले जो आप हम शुरुआत करते हैं, आपकी जो शुरुआत जो हुई है, हर किसी के बचपन में एक ख्वाब होता है, आपका क्या ख्वाब था? बचपन में ऐसा मैं कुछ कभी सोचा नहीं था कि मैं कैमरामैन बनूंगा, सिनेमाटोग्राफर बनूंगा, फिल्में करूंगा, कभी ऐसा नहीं सोचा था। पहले मुझे खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था, मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, रेसिंग बहुत पसंद थी। मैं अपने मतलब जिला लेवल पे रेसिंग किया हूँ, जीता भी हूँ, और रेसलिंग करना बहुत पसंद था। अच्छा। तो वो सब पसंद था, मगर मतलब कभी DOP बनूंगा, सिनेमाटोग्राफर बनूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था बचपन में, कभी नहीं सोचा था, ना तो मेरे आसपास वाले कभी ऐसा सोचे थे। तो आपका जो एक माहौल जो होता है, घर का एक माहौल होता है, क्या वो घर के माहौल में कभी फिल्म से जुड़ा हुआ कुछ लम्हा था या मित्रगणों में? हाँ, ऐसा कुछ जान पहचान के लोग थे, मतलब आस पड़ोस में थे कि फिल्मों में काम करने वाले, और बहुत लोगों से जान पहचान थी। फैमिली में भी कुछ कुछ थे जो करते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे जान पहचान अच्छी थी, और घर पे भी माहौल था थोड़ा बहुत फिल्मों का। तो शुरुआत कब से आप, जैसे पता चला है कि आप बाल कलाकार से आपकी शुरुआत? हाँ, मैं करीब 8 साल का था तब से एक्टिंग करना शुरू किया, शॉर्ट फिल्मों में, फिल्मों में, वीडियो एल्बम्स में, थिएटर वगैरह भी किया। 8 साल की उम्र से मैंने ये सब करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद एक गैप आ गया जिसमें मैं पढ़ाई वढ़ाई ये सब करना पड़ा मुझे, और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में मेरे। तो मम्मी पापा ने बाद में फिर बोला कि जो तेरा मन करता है वो कर तू करके। तो धीरे से मैं फिर से वापस फिल्मों में आना शुरू किया, छोटे मोटे जो भी काम होते थे एल्बम वगैरह में। तो आपकी जो शुरुआत जो हुई थी बचपने में, वो शुरुआत जो किस तरह से हुई थी, कौन सी फिल्म थी जो आपको याद हो? मैंने एक सबसे पहले एक महादान करके मूवी की थी, महादान करके एक। इसमें आपकी उम्र कितनी थी? लगभग 8 साल। अच्छा, 8 साल। 8 साल की उम्र थी मेरी, और महादान करके एक फिल्म थी जो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुई थी, उसके लिए बनी थी वो अच्छे से मुझे कुछ याद नहीं है उस फिल्म का, बस याद है कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा धुंधला याद आता है। और फिर उसके बाद एक दाढ़ करके फिल्म किया मैंने। उसमें क्या भूमिका क्या थी महादान में? मैं महादान एक्चुअली जो आँख डोनेट करते हैं ना, उस पर कहानी थी। और मैं अंधा रहता हूँ, बचपन में अंधा रहता हूँ मैं, और मेरे जो पिताजी रहते हैं वो मुझे आँख डोनेट करते हैं अपना। तो ऐसा कुछ स्टोरी था, अच्छे से तो याद नहीं है मुझे, बट ऐसा ही कुछ स्टोरी था, तो वो फिल्म थी। उसके बाद जैसे आप लोगों ने सीरियल के भी कुछ काम किए हैं बचपन में ही, दूरदर्शन के लिए भी? आदमी वही जो शॉर्ट फिल्में थी और वीडियो एल्बम थे दूरदर्शन के, उसमें काम किया मुझे, और थिएटर वगैरह किया बचपन में। उसके बाद ये तो आपका हिंदी में था, उसके बाद छत्तीसगढ़ी की तरफ आप फिल्म लेके आए थे? छत्तीसगढ़ी एक दांड करके मूवी थी, वो छत्तीसगढ़ी थी। अच्छा। वो पहली मूवी थी छत्तीसगढ़ी जिसमें किया था, तोरण राजपूत जी डायरेक्टर थे उसमें, और सुंदरानी जी के यहाँ से रिलीज़ हुई वो फिल्म, और बहुत ही अच्छी सफल फिल्म थी। तो उसमें क्या रोल था आपका उसमें? उसमें भी मैं बच्चा बना था, मैं उसमें एक बच्चा बना था, किसी किसान का बच्चा बना था। अच्छा। जिसकी मौत हो जाती है, और उसका इल्ज़ाम जो रहता है वो जो लीड आर्टिस्ट है उसके ऊपर चले जाता है, ऐसा कुछ स्टोरी थी। मतलब वो यादगार अब नहीं रहा? बहुत पहले की बात, वो मैं एक दांड़ फिल्म किया था, करीब 10 साल का रहा होऊंगा। अच्छा। हाँ। उसके बाद आपकी शुरुआत फिर आगे कैसे, बीच में आपने जो पढ़ाई के लिए आपने कहा कि हाँ, बीच में पढ़ाई वगैरह करने में और इस चीज़ में गैप आ गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शूटिंग वूटिंग में जाने लगा, फिर उसके बाद फिर इंटरेस्ट जागा कि इसमें कुछ करता हूँ। फिर मैंने एल्बम वगैरह करना शुरू किया, असिस्ट तोरण राजपूत जी थे, कैमरामैन थे, डायरेक्टर थे, उनको असिस्ट किया बहुत टाइम तक। फिर खुद से एल्बम करना शुरू किया,
फिर धीरे से मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने लगा। 25-30 एल्बम किए, कम से कम 150 के ऊपर डॉक्यूमेंट्री किया। फिर उसके बाद मेरे को मितान 420 करके एक फिल्म थी, उसमें सेकंड कैमरा करने के लिए बुलाया गया। फिर वो फिल्म में किया। वो फिल्म करने के बाद कंटिन्यू फिल्मों में सेकंड कैमरामैन असिस्ट और सेकंड कैमरामैन करता रहा। महतारी, माटी के लाल, लैला टिप टॉप, छह अंगूठा छाप, मोर दुलरवा, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी, बड़ी सब बड़ी फिल्में थी जो मैंने असिस्ट किया। तो बहुत सारा सीखने मिला वहीं से, और वहीं से फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मेरे को अब यही करना है, ना DOP बनना है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, कई लोग बोले भी होंगे कि आपका चेहरा अच्छा है, हाइट अच्छी है, तो हीरो बन जाओ? हाँ, ये चीज़ बहुत चली मेरे साथ और अभी भी चलते आ रही है कि यहाँ बहुत सारी फिल्में ऑफ़र होती है। करीब मैं 6-7 फिल्में ठुकरा चुका हूँ कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, हीरो नहीं बनना। मगर बहुत सारी फिल्में आती रहती है, बहुत सारे हीरो ही खुद बोलते रहते हैं कि मेरे को हीरो बनना चाहिए, ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री को। बट मेरे को अब एक्टिंग करने में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके बाद मैंने MP का एक वो भी किया एज अ लीड एक्टर। MP का एक विकसित मध्य प्रदेश करके एक ऐड आता था, बहुत फेमस ऐड है, वहाँ के थिएटर वगैरह में, वहाँ के चैनल वगैरह में कंटिन्यू चलता था, वो सब किया। MP के भी बहुत एड फिल्म वगैरह मैंने किए। एड फिल्म लगभग कितने कर लिए होंगे यार? मैं लगभग तो 80-100 एड फिल्म कर लिया। फिर भी प्रोडक्ट किस हिसाब से होता था? बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट रहता था। MP के जो गवर्नमेंट के ऐड होते हैं वो होते थे, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के ऐड होते हैं वो होते थे, यहाँ के लोकल जैसे टैक्सी का ऐड हो गया, सैलून का ऐड हो गया, कपड़े का ऐड हो गया, ऐसा बहुत सारे ऐड किए मैंने। तो कभी उसमें और जो ऐड, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद एल्बम, ये सब करने के बाद जब आप फिल्मों की तरफ आपका रुझान बढ़ा, तो उसमें और नयापन क्या आपके दिमाग में आया कि और क्या नया करना चाहिए? फिल्म करना एक बहुत ही अलग चीज़ है। ऐड फिल्म वगैरह में छोटी सी यूनिट रहती है, डॉक्यूमेंट्री में 6-7 लोगों की, 8 लोगों की यूनिट रहती है, मगर फिल्म जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वहाँ एक कैमरामैन के ऊपर करीब 50 लोगों की जिम्मेदारी होती है, 50 लोगों को उनको मेंटेन करना पड़ता है, कि उनसे काम निकलवाना पड़ता है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी और मैं एज में बहुत छोटा था, बहुत कम एज में मैंने शुरू किया। 2010 में मैं कैमरामैन बन गया था, 2010-2011 में। उसमें कितनी उम्र रही होगी? 2010-20 साल। अच्छा, 20 साल की उम्र में आपने? हाँ, 20 साल की उम्र में मैंने कैमरा करना शुरू कर दिया, सेकंड कैमरा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर उसके बाद बहुत कम एज था, तो लोगों को अजीब सा फील होता था मुझे देख के। अभी भी कई लोगों को लगता है, क्योंकि मैं भोजपुरी की बड़ी फिल्में कर रहा हूँ, तो वहाँ जब लोग देखते हैं मुझे कि ये DOP है करके, तो उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरी उम्र के तो कई असिस्टेंट भी नहीं होते। अब मेरे मतलब जब मैं कैमरामैन बना तो मेरे असिस्टेंट लोग मेरे से ज़्यादा एज के थे, तो बहुत अजीब फील होता था। तालमेल बिठाने में कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी दिक्कत हुई, या वो एज के ज़्यादा हैं? एज को लेके बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि अगर मुझे किसी से काम निकलवाना है तो थोड़ा टाइट भी होना पड़ेगा, मगर वो एज में बड़े रहते थे तो मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाता था। मेरे को सबसे रिस्पेक्ट से बात करना पड़ता था और मैं कुछ नहीं बोल भी नहीं पाता था, उनको डांट भी नहीं पाता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी उसको लेके। बाकी धीरे 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 वो हो गया, अब मैं मतलब अब कंफर्टेबल काम कर लेता हूँ। हाँ, अब अभ्यस्त हो गया हूँ, कंफर्टेबल काम कर लेता हूँ। अब एज भी थोड़ी बढ़ गई, उस समय तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब जो लोग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन लोग भी सोचते थे कि ये कैसे फिल्म कर पाएगा इतने कम एज में। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और भरोसा करने लगे, फिर आज छत्तीसगढ़ में अच्छी मतलब बड़ा वो है, मेरा बड़ी फिल्में कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। भोजपुरी में भी अब अच्छा मार्केट बन गया मेरा, बहुत भोजपुरी में बहुत स्ट्रगल। भोजपुरी में लगभग बड़े बड़े स्टार या प्रोड्यूसर के साथ भी आपने काम किया, तो कौन कौन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं? मैंने संतोष मिश्रा जी के साथ मेरे, और अभी बॉर्डर फिल्म में किया मैंने संतोष मिश्रा जी के साथ, बहुत बड़ी फिल्म है वो, करीब 3.5-4 करोड़ की, भोजपुरी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है। उसमें लगभग सब स्टार है फिल्म या भोजपुरी फिल्मों के। और मैंने फिर उसके बाद मेरे जो फेवरेट डायरेक्टर है मंजुल ठाकुर,
मंजू ठाकुर, मतलब मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। जब मैं भोजपुरी फिल्म करना शुरू किया उसके बाद से अभी तक उन्होंने मुझे एक साल में इतना कुछ सिखाया कि मैं खुद से लगता है कि मेरा लेवल थोड़ा ऊपर हो गया उनके वजह से। उनके साथ काम किया से बहुत कुछ सीखने मिला मुझे मिला वो मैं बहुत ही अपने आप को हाँ टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है वो, भोजपुरी के सबसे स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और हमारी हम बैक टू बैक अभी फिल्में कर रहे हैं, मैंने उनके साथ 3 फिल्में कर चुकी हैं भोजपुरी की। वो अभी सबसे अभी उनको इस साल और इसके पहले साल दोनों फिल्म बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। और अभी हम लोग एक और फिल्म अभी जून में शुरू हो रही है हमारी, अभी 3 फिल्में ख़त्म हुई हैं और वो रिलीज़ होने वाली है। एक फिल्म अभी रिलीज़ हुई हमारी मेहंदी लगा के रखना 2, और उनके साथ कर रहा हूँ मैं घूंघट में घोटाला, वो कंप्लीट हो गई। हिंदुस्तानी 3 वो कंप्लीट हो गई है। और अभी मैं एक कर रहा हूँ राजा हिंदुस्तानी, उसमें केसारी लाल यादव हीरो हैं, और हिंदुस्तानी में दिनेश लाल यादव जो सबसे बड़े स्टार हैं भोजपुरी के वो हीरो थे। तो वो सारी फिल्में कर रहा हूँ अभी मैं। तो इसके लिए आप जैसे भोजपुरी फिल्म करना रहता है तो आपको फिर छत्तीसगढ़ छोड़ के बाहर उनके इसमें जाना पड़ता है, उनके फिल्म उनके साथ साथ? नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्में भी तो हम लोग घर से निकलते हैं कहीं बाहर लोकेशन पे करते हैं, वैसे ही भोजपुरी करने के लिए, भोजपुरी तो ज़्यादातर आजकल यहाँ के लोकेशन में बन रही है क्योंकि यहाँ शूट करना बहुत ईजी है, तो यहीं शूट हो रही है भोजपुरी फिल्में। और थोड़ी बहुत बाहर भी शूट हो रही है, रांची वगैरह में, यूपी वगैरह में, तो वो कंफर्टेबल रहते हैं, हम लोग फ्री रहते हैं कि मेंटली फैमिली भी प्रिपेयर रहती है, हम लोग भी प्रिपेयर रहते हैं कि बाहर रहना है 1 महीना 1.5 महीना। अभी मैं इस शेड्यूल किया करीब 160 दिन का कंटिन्यू 160 दिन भोजपुरी फिल्म में आपने किया है। भोजपुरी फिल्म में अदर और भी लैंग्वेज आपने किया है? मैंने बंगाली किया है, हिंदी में भी किया है, उड़िया भी किया है, तो ऐसे मूवी किया हूँ 1-2। तो ऐसे जब अलग अलग लैंग्वेज के रहते हैं तो कभी ऐसा दिक्कत नहीं आती है उसमें? दिक्कत तो बहुत बहुत आती है। मैं एक बंगाली फिल्म कर रहा था, बंगाली फिल्म के दौरान ये हुआ कि सब लोग बंगाली बोलते थे, वहाँ सब बंगाली थे, मैं बस एक छत्तीसगढ़ का था और सब बंगाली बोलते थे। तो जो मीटिंग होती थी, डिस्कशन होता था, उन लोग अपने में बात कर लेते थे और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था कि उन लोगों ने क्या बात किया। फिर एक बंदा बाद में हिंदी में समझाता था कि ये करना है, ऐसा ऐसा है करके। तो वो सब बहुत प्रॉब्लम होती थी डायलॉग को लेके, टाइमिंग रहता है, जैसे मेरे को जूम करना है इस डायलॉग पे, तो मेरे को डायलॉग का मीनिंग ही नहीं पता, तो मैं फ्लो नहीं बन पाता था। अच्छा। तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती थी, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते। DOP के स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सीन कैसा शूट होगा, और उनकी बंगाली में लिखी होती थी वो, मतलब कुछ भी नहीं समझ आता था, तो वो सब दिक्कत होती थी बहुत। तो आगे भी क्या और इस तरह से काम करने की इच्छा है कि लैंग्वेज को लेके दिक्कत होने का? नहीं नहीं, ऐसा कोई, मैं तो चाहता हूँ कि हर लैंग्वेज की फिल्म करूँ। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं सोचता था कि छत्तीसगढ़ी की फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में करूँ, फिर छत्तीसगढ़ी की जब बड़ी फिल्में करने लगा तो मेरे को मन लगा कि मैं भोजपुरी की बड़ी बड़ी फिल्में करने लगूँ। फिर उसके बाद भोजपुरी करने के बाद अभी मुझे लगता है कि मैं हिंदी, मराठी, ये सब की फिल्में करूँ। तो इच्छा तो कभी ख़त्म नहीं होती, और मेरी इच्छा है कि मैं जितना भी ज़्यादा लैंग्वेज कर सकूँ, जितने भी टाइप की फिल्म हो सके, जितने भी बड़े डायरेक्टर लोग के साथ, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म हो सके, वो सब करूँ। तो इसमें और भी सीखने को भी मिलता होगा बहुत सारी चीज़ें? सीखने के लिए तो हर दिन मिलता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती ही रहती हैं। अभी मैं यहाँ स्टूडियो में आया हूँ, मेरे को पता नहीं यहाँ से क्या सीख लूँगा मैं, आपको भी पता नहीं चलेगा क्या चोरी करके ले जाऊँगा यहाँ से वो चीज़ सीख के यूज़ हो जाएगा। वैसे ही हर दिन कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि फिल्म में हर दिन अलग होता है, हर दिन कंडीशन अलग होती है, हम कौन से जगह जा रहे हैं वहाँ लाइट कंडीशन क्या होगी, किस हिसाब से उसको शूट करना पड़ेगा, वो हर दिन सीखना पड़ता है। बहुत ही दिमाग को बहुत ही शार्प रखना पड़ता है कि जल्दी डिसीजन लेना, टाइम की बहुत कमी रहती है, टाइम बहुत कीमती रहता है वहाँ फिल्मों में, तो दिमाग को फ्री रखना पड़ता है। और तो सर, अब जब शुरुआत जब आपने किया था तो उस समय आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अब इतने बड़े लेवल पर आप चले जाएंगे, तो बचपने से बहुत सारे काम आपने किया होगा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ? हाँ, बचपने से मैं बहुत सारा काम किया हूँ, मतलब मैं फिल्मों से जुड़ा हुआ लगभग हर काम किया हूँ, प्रोडक्शन किया हूँ, लाइटमैन का काम किया हूँ, कोऑर्डिनेटर का काम किया हूँ, असिस्टेंट का काम किया हूँ, असिस्टेंट मेकअप मैन का काम किया हूँ, असिस्टेंट कोरियोग्राफर का काम किया हूँ,
ये सब ले सारी चीज़ें की। हर विधा में आप पूरा निपुण हो गए थे। हाँ नहीं, निपुण नहीं हुआ था, बस सीखने के लिए थोड़ा 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 जानकारी सबकी मिल जाए। तो उसमें कभी जैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से गाली भी खाना पड़ा होगा? हाँ बहुत बार मेरे को, वैसे मैं छोटा था और लोगों को बहुत पसंद आता था, इसलिए मुझे कोई ज़्यादा डांटता वाटता नहीं था। सब लोग बहुत अच्छे से मुझे सिखाते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत प्यार से मुझे सब चीज़ें करना सिखाया और मुझे उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला। मतलब मैं बहुत ही लक्की मानूंगा अपने आप को कि मेरे को इतने सारे अच्छे अच्छे लोग मिले जिनके वजह से मैं यहाँ तक आ पाया और मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। बहुत सारे लोग हैं, मतलब लगभग छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के सब लोग से कुछ ना कुछ सीखा हूँ मैं, हर फिल्म करके कुछ ना कुछ सीखा हूँ, तो बहुत ही लक्की मानता हूँ उसके लिए मैं अपने आप को। सिद्धार्थ सिंह जी से बात करके और भी आगे की हम जानकारी लेंगे। अब लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक।